हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीक्रेट्स। तो लास्टली वीडियो में मैंने एक जो अपडेट दिया था जॉब रिलेटेड, आई गेस सब लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा। इनकेस आप लोगों ने अभी तक अगर किया नहीं है तो प्लीज़ चाहिए अभी जितना जल्दी सके करिए। तब तक ले जो जो आज का जॉब अपडेट इसके और बढ़ते हैं। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिकॉज आज एक नहीं दो दो जॉब अपडेट के ऊपर डिटेल्स दिया जाएगा। तो जो सबसे पहला कंपनी है वो है FIS की ओर से। जो FIS कंपनी है, इट्स अ शेयर सर्विस एनालिटिक्स। सो जो FIS कंपनी इस बार हायरिंग करेगी फॉर द जॉब रोल ऑफ फाइनेंशियल शेयर सर्विस एनालिस्ट एंड ऑपरेशन रिस्क एनालिस्ट। जो कि आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है BCom, MCom और MBA। साथ ही साथ एक्सपीरियंस इधर 0 to 4 ईयर्स का मेंशन है, बिकॉज आपका मल्टीपल लोकेशन है तो लोकेशन वाइज एक्सपीरियंस अलग अलग है, बट विद इन 0 to 4 ईयर्स के अंदर का है। तो आपका जो लोकेशन होने वाली वो है पुणे, हैदराबाद एंड गुड़गांव। तो FIS कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो FIS कंपनी, इट्स अ फेडरेटेड नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज विच इज एन अमेरिकन मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कंपनी, जो आपको ऑफर करेगी वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो FIS इज मोस्टली नोन फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं आपके आगे जॉब रोल की ओर, कि ऐसे फाइनेंशियल सर्विस एनालिस्ट जो कि पुणे और गुड़गांव लोकेशन में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। आपका एक अच्छा गुड नॉलेज होना पड़ेगा फिक्स एसेट अकाउंटिंग का, इंक्लूडिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट का। साथ ही साथ आपको वेल कंसर्वेंट विद होना पड़ेगा, अकाउंटेबल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना होगा, जो कि IAS 16, PPE और एक्सेट्रा। आपसे आपको एक्सप्लेन अन करना आना पड़ेगा बेसिस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। आप रेडी टू वर्क रहना पड़ेगा इन स्क्रेचेबल से, बिकॉज कभी कभी मॉर्निंग शिफ्ट हो सकता है, कभी कभी नाइट शिफ्ट होता है, तो आपको उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल रहना पड़ सकता है। नेक्स्टली जो है आपका जॉब रोल फाइनेंस ऑपरेशन रिस्क एनालिस्ट, जो कि हैदराबाद लोकेशन में है। काइंडली जो बाकी का रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा। आपको रिव्यू करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड एडवाइसेस बिजनेस ओनर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर रिकर्सन। साथ ही साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा रिस्क मैनेज असेसमेंट रिलेटेड टू डाटा प्रोडक्शन, सप्लाई मैनेजमेंट एंड मैनी मोर अदर क्राइटेरियाज। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट रिस्क एनालिसिस एंड कंट्रोल करना पड़ेगा, इनेबुलेट करना पड़ेगा अपना कंट्रोल डिजाइन और कंटिन्यूस कंट्रोल इम्प्रूवमेंट को। बढ़ते हैं आपको जॉब लिंक्स के और, आपके अपने स्क्रीन में देख सकते हैं क्लिक ऑन द क्लिक हेयर टू अप्लाई का। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई में क्लिक करेंगे जो FIS का ऑफिशियल वेबसाइट है उधर चले जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद स्टार्टिंग में आपको ये कुकीज़ वगैरह अलाउ करने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर फिक्स एसेट अकाउंटिंग का है करी अप्लाई अकाउंट स्टार्टिंग में। अगर कुछ भी आपको जानना है तो स्क्रॉल डाउन करने से आपको पता चल जाएगा। आज का जो दूसरा जॉब अपडेट है वो है टेस्ट बुक की ओर से। सो जो टेस्ट बुक है इस बार हायरिंग करेगी फॉर द जॉब रोल ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड DTP ऑपरेटर। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और एंट्री लेवल तो फ्रेशर्स आर वेलकम। लोकेशन आपकी होने वाली है मुंबई। टेक्स्ट बुक के बारे में आई गेस आप सब लोगों को पता है, इट्स एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आपके बढ़ते आगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड DTP ऑपरेटर आपका होना पड़ेगा गुड कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल्स। फॉर्मेट करना पड़ेगा टाइप स्क्रिप्ट एंड रिटर्न डाटा एंड साथ ही साथ ग्राफिक एलिमेंट यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स टू प्रोड्यूस पब्लिकेशन रेडी मटेरियल। साथ ही साथ शुड बी क्विक इन अपलोडिंग डाटा, वर्क वेल अंडर प्रेशर एंड शुड बी एबल टू प्रायोरिटाइज वेर एट वर्कलोड। सिंस इज अ डिज़ायर जो है मैं बता देता हूँ, ये नहीं होने से भी कोई इश्यू नहीं है। वो है आपको आपका टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट होना पड़ेगा। मिनिमम वो एक्चुअली मैक्सिमम है, मिनिमम आपका 35 वर्ड्स पर मिनट होने से अच्छा है। साथ ही आपको कोरल ड्रॉ और MS ऑफिस का बेसिक नॉलेज होने से भी हो जाएगा, और हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है इट्स एन एडेड एडवांटेज जो कि आपके सैलरी में आपको हेल्प करेगी। तो जैसे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट ले जाएगा टेस्ट बुक का, सिमिलर जैसे कि FIS कंपनी का था। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं नेवी मुंबई महाराष्ट्र में जॉब निकला है, अप्लाई क्लिक करते ही अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही अगर कुछ भी जॉब डिटेल्स के बारे में आपको जानना है